बरेली शहर के व्यावसायिक क्षेत्र सब्जी मंडी में दो वार्डों के सीमा विवाद को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने जलभराव के समक्ष अपनी नाराजगी जताई और नगर पालिका परिषद से अविलंब समस्या के निराकरण की मांग की। इस पर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद ने विभागीय कर्मचारियों को तत्काल जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान चेयरपर्सन पूर्णिमा श्रीवास्तव ने बताया कि सब्जी मंडी के अचार वाली गली में जलभराव की जानकारी मिली है, जिसे दुरुस्त कराने की कोशिश की जा रही है। मुझे पता है कि हमारे वहाँ पर पानी भरा हुआ है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको बहुत जल्दी उसको निकलवा दें। हमारी जनता जानती है, वहाँ के लोगों को पता है कि हमने सब्जी मंडी में काम भी किया, रोड भी अच्छी बनाई है, लेकिन जो सीवर में चैम्बर के अंदर जो कुछ मटेरियल चला गया, ईंट वीट जो है, क्योंकि हम लोग कर्मचारियों को नीचे उतार के सफाई नहीं करा पा रहे हैं और मशीन द्वारा भी, इसीलिए हम लोग उसको पंपिंग सेट लगा रहे हैं, तो मशीन हमारी मोटर चलती रहती बराबर पानी निकालने के लिए। लेकिन हम तो आए थे यहाँ पे मार्केट करने, अभी सामान लेने, तो यहाँ मैं गिरने से बचा। इतना ज्यादा पानी भरा हुआ तो बड़ी शर्म की बात है नगर पालिका परिषद के लिए कि यहाँ मोहल्ले वासियों की समस्या का हल नहीं कर रहे। यहाँ सभा सदों की आपस की लड़ाई है, लेकिन ये आम पब्लिक के लिए बड़ी शर्म। जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।